ये तरीका है, देख रहे हैं ऐसा है कुछ। देखिए पानी कितनी स्पीड से गिर रहा है। अब उधर भी चलेंगे आगे, चलो फिलहाल इनके लोगों के पीछे भी चलते हैं अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस ब्लॉग में हम पहुंच चुके हैं मनाली। आपने इससे पहला वाला ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, मैंने इसी रूम में एंड किया था, इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ नया ब्लॉग। और इस टाइम हम लोग चल रहे हैं मनाली को एक्सप्लोर करने। फिलहाल अभी इस टाइम बर्फ वर्फ गिर नहीं रही है, टेम्परेचर 9 है इसका और यहाँ का। अब शाम में अगर माइनस में होगा तो होगा। हम तैयार हो चुके हैं, हमने ऊपर से खाली ये हुडी डाल ली है और ठीक चल रहे हैं। रूम में ताला डालते हैं, उसके बाद आपको सीधे बाहर मिलते हैं 800 रुपए में। बहुत अच्छा रूम है, अगर आप भी आए तो इनके होटल वालों से, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें भी आपको एक बार और कार्ड दिखा देता हूँ ब्लॉग में भी। ये देखिए ऐसा कार्ड है, इनसे मिल लीजिए, हर चीज़ सुविधा है हर चीज़ की। इतने 800 रुपए में मतलब इतना कोई नहीं देगा। मैंने मंडी में लिया था तो वहाँ कुछ नहीं था, हैंड वॉश, गर्म पानी का, इधर वाली टंकी हॉट का है, ये कोल्ड की है, ये लगा हुआ है और हैंड वॉश का है, ये सब कुछ, मतलब सब ऑल टोटल सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद इसे बंद कर देते हैं, सीधे गेट को लॉक लगा के सीधे बाहर चलते हैं। तो दोस्तों होटल से बाहर निकल आए, अब सीधे चलते हैं, जहाँ भी मौका लगेगा, जहाँ भी अच्छी जगह होगी वहाँ घूमेंगे। ढाल है काफ़ी। वैसे मूड तो बन रहा है जोगनी फॉल चलने का, आपको बता दें, तो वहाँ ऑटो कोई देखते हैं उससे चलते हैं। सही है, टाइम कम है क्योंकि 3:11 तो हो ही गए हैं, अब 5:30 तक अंधेरा होने लगता है। दोस्तों दूर काफ़ी है, अभी इधर से चढ़ के गए थे तो काम हो गए थे, अब मतलब उतर रहे हैं तो इतना नहीं लग रहा है। कम से कम मॉल रोड से होगा 1.5-2 किलोमीटर होटल मेरा। दोस्तों हल्के हल्के पहुंच चुके हैं मनाली मॉल। देखिए तिरंगा दिख रहा है अपने भारत की शान, और यही ऐसा है कुछ। अच्छा तो दोस्तों मॉल रोड से ऑटो कर लिया है, 200 रुपये यहाँ से बताएं जोगनी फॉल के लिए, तो चलते हैं वहीं। 200 से कम कोई बोल ही नहीं रहा, ऑटो वाले इतने ऑटो वाले खड़े सब 200 रुपये बोल रहे हैं, कह रहे उधर से 150 में हो जाएगा लेकिन इधर से 200 रुपये ही जाएंगे। तो चलिए बैठते हैं फिर चलते हैं आपको लेके। चलो चल दिए, दोस्तों ये पहाड़ जो दिख रहे हैं ये शिशु के दिख रहे हैं, वहां तल लेकर चलेंगे आपको। अभी फिलहाल यहाँ मनाली में धूप है, देखिए सूरज निकला हुआ है, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, ना ही बर्फ़ गिरी है अभी तक, शिशु में पड़ चुकी है। यहाँ तो ऐसे ही है, अगर रात रूप में हुआ तो ठंड होगी, फिलहाल अभी तो सूरज है। दोस्तों ऑटो वाले जो हैं वो यहीं पर उतार देते हैं, जे एरिया ये जहाँ पर फुल टाइप का है, इसके बाद पैदल ही चलना है। यहाँ से भी हमें लगता है 1-2 किलोमीटर चलना होगा, ऊपर ले नहीं जाएंगे, चढ़ाई ज़्यादा है। यानी कि अगर आप लोग भी आएँ तो ऑटो ना करें, हम तो ऑटो करके पछताएं। अब इधर से जब नहीं करेंगे, ऑटो करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पैदल ही आ जाते 4-5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर होता है, चल लेते पैदल, 4 भी नहीं था ना, तो अब फिलहाल बात वही पड़ी चलने की। चलो वापसी में पैदल ही जाएंगे, आप लोग भी आ जाइए, ऑटो ऑटो ना करना, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं डायरेक्ट, अब सीधे कतई दोस्तों खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ भी देखिए, चलते रहिए बस आप लोग, ब्लॉग में बने रहिए बस। हाँ बर्फ़ वाले पहाड़ तो उधर हैं, देखो सामने दिखते होंगे आपको, कल लेकर चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में कैसी चढ़ाई है? अरे चढ़ाई पूछी है, वो खतरनाक चढ़ाई है, चढ़ाइयों का चलते चलते थक गए। हाँ अरे हालत ख़राब हो गई है ना। चलो
कोई कोई आते होंगे अपनी कार उड़ से, तो यहीं पे पेड पार्किंग है, पार्किंग के पैसे दे के पार्किंग पे कार खड़ी करके भी जा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं। ओके, तो आप लोग पानी के बाद देख सकते हैं, ये डायरेक्ट झरने से गिर रहा है पानी। ओके, आता कितनी ऊँचाई है, चलो बस ऊँचाई तो काफ़ी लग रही है। दोस्तों इतना चढ़ के आप आए हैं, चढ़ाई तो काफ़ी खड़ी है भाई, ये देखो काम हो गए बिल्कुल। साथ भाई कैसा लग रहा है, चलो बताएंगे आगे। अभी थोड़ी सी यहाँ पर आ पाए डेस्टिनेशन पे, देखिए पानी कितनी स्पीड से गिर रहा है। अब उधर भी चलेंगे आगे, चलो फिलहाल इनके लोगों के पीछे पीछे चलते हैं अभी। चलो तो दोस्तों फोटो जितने क्लिक करना था कर लिए हैं। पानी जो है बर्फ़ से भी ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं, हम उतर जाते हैं, मोबाइल रखते हैं जेब में वरना क्या पता गिर पड़े। ठीक है दोस्तों, अभी यहीं पर ऊंचाई ख़त्म नहीं हुई है, ये झरना है, मतलब ये तो डैमो है समझ लो ट्रेलर, बाकी ऊपर झरना है। चलिए रहिए, चढ़ाई तो काफ़ी है ये। चलो फिर इसके बाद फोटो वोटो क्लिक करके यहाँ पर फिर ऊपर चलना है, इधर से रास्ता है, चढ़ाई नहीं बड़ा करनी पड़ रही है। चलो चढ़ के मिलते हैं ऊपर, चढ़ाई बहुत खतरनाक है, देख रहे हो कैसे झुक झुक के चलना है। हम पीछे हैं तो हम इनकी दिखा सक रहे हैं, बैठ गया देखो थक्के, व्यू हल्के हल्के बढ़ता अच्छा है, दिख ही रहा है बस। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो इन लोगों ने बैग भी हमें टंगा दिया है, दे दिया है बैग में वजन है 5 किलो लमसम। चलो ऊपर तो आपको नीचे से आ जाना है, हिम्मत नहीं हारना है, और उसके बाद ये भारी सा पत्थर दिखेगा, इसके बाद स्नोफॉल दिखेगा आपको, गिर रहा है पानी। चलो काफ़ी थक गए हैं भाई, चढ़ाई बहुत खड़ी है। चलो चलो चलो, ये देखिए, एक मिनट पास जाके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो पानी, अल्लाह की कुदरत है सब। देख रहे हो ये देखो ऊंचाई, यही है दोस्तों जुगनी फॉल मनाली का, इतना ही है नीचे। अभी मैं जाऊँ कहाँ पे, कैसे दिखाऊँ आपको, ये तरीका है, देख रहे हैं ऐसा है कुछ। ठीक है अब हम फोटो वोटो शूट करते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब नीचे नहीं जा सकते हैं, नीचे जाने की रास्ता ही नहीं है, वरना नीचे चल के दिखाते हैं आपको। ऐसे ही है कि यहाँ से पानी निकल रहा है, निकलता रहता रात दिन। ठीक ओके, तो दोस्तों फ़ोटो शूट भी काफ़ी हो गया है और टाइम भी हो गया है 4:50, तो अब यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। ठंड होने लगी, हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी, अभी तो गर्मी ऐसी लग रही थी, अब बहुत ठंड होने लगी। चलो नीचे उतरते हैं, बैग पकड़ते हैं, चलो आ जाओ, यही रास्ता है अपने, आराम आराम आ जाइएगा आप लोग। हम तो फिलहाल लेट आए थे, फिलहाल लेट क्या, यहाँ एक ही 1.5 घंटे का काम है, ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 1-1.5 घंटे में आप आराम से घूम लोगे। ठीक है जब भी आए, मतलब अगर आप लेट आए मनाली में तो आप सोचें अब कहाँ पर जाना है, अगर 2-3 बजे तक आ गए तो यही करें, ऐसी रास्ता है, भूल भी गया मैं ये वाली। आराम आराम उतरते उतरते, रास्ता तो वो भी है, फिलहाल रास्ताएँ सब हैं एक दूसरे से मिलती, अब नीचे उतर के मिलते हैं आपको। ओके दोस्तों, वो लोग डर रहे हैं आते, हल्के हल्के उतर रहे हैं, हम जल्दी बल्दी उतर रहे हैं, मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है उतरने की, देख रहे हैं रास्ता तो बहुत खतरनाक है। ये देखिए आ गया मैं, अब ये लोग आ रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है हिसाब से, अब इधर जाएंगे, इधर जाके नीचे उतरते वो लोग आ रहे हैं, वहाँ से उतरते उतरते फिर सीधे आ जाओ,
तुम लोग भी आ जाओ हल्के हल्के। चढ़ाई को चढ़ाई पे है दोस्तों, नीचे उतर आए यार, एक मिस्टेक हो गई। हम लोगों को बड़े वाले झरने पास जाना था, लेकिन छोटे वाले झरने के पास से होकर कुछ आ गए। अब तो रात हो गई है फिलहाल, अब जा भी नहीं पाएंगे। टाइम इस टाइम हो रहा है 5:19। अब देखते हैं, अगर कल आए तो आए, वरना भाई अगर आप लोग आए तो इसके साथ ही रास्ता गई हुई है। हम लोगों ने वो रास्ता देखी नहीं, फिर वो बड़ा वाला स्नो जोगनी फॉल दिखता है। अभी तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये तो छोटा सा था। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, गलती कर गए हम लोग, इतनी ऊंचे गए भी और मज़ा भी नहीं आया खूब। ओके तो चलिए चलते हैं, चले आए हैं। अब सीधे मेन रोड आ गया है, यह है मेन रोड। यही है, इसके सामने की रास्ता है 130 लिखा होगा, इसके सामने रोड है, वही गया है सीधे जोगिनी फॉल के लिए। हम लोग अगर आए तो कल भी आएंगे इंशाल्लाह, आपको बड़े झरने तक ले चलेंगे, ठीक है। सुबह सुबह आएंगे अगर हिम्मत बनी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 2.5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग पीछे चल रहे हैं, अब थोड़ी दूर बचा है, आप पैदल ही हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब आपको सीधे रूम पे मिलते हैं चलकर। तो मनाली अब 1 किलोमीटर बचा, हम लोग इतना चले आए हैं, 3 किलोमीटर लमसम चले आए होंगे, 3-3.5, 1 बचा है, अब चल ही रहे हैं बस। ये देखिए अंधेरा होने लगा है हल्के हल्के, इस टाइम हो रहा है 6 बज गए, पूरे 6 बज गए हैं, डायरेक्ट होटल में मिलते हैं आपको अब। तो दोस्तों अब जाकर आ पाए हैं और होटल पर ही लेट गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेन झरना था मैं तो वहाँ तो जा नहीं पाया, हम लोग पता ही नहीं लगा, फिर अंधेरा भी हो गया, पैदल ही चला आया। अगर आप लोग जहाँ स्टेमिना हो तो पैदल भी जा सकते हो और ऑटो से भी जा सकते हो। ऑटो से हम 3 लोग थे तो 200 रुपये लिए थे वहाँ तक जाने के लिए, और वहाँ तक जाने के लिए रोड पर छोड़ दिया, फिर चलना आप पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है, ठीक है। और उधर से तो हम लोग पैदल ही चले आए सीधे अपने रूम पे, कम से कम रूम पड़ा होगा 5-5.5 किलोमीटर हम लोग चले आए, तीनों बातें करते करते देखते देखते सब कुछ। और ऐसा अगर आप लोग जिससे जाना चाहें तो चले जाइए, अगर सुबह हिम्मत होगी उठ गए तो सुबह आपको बड़े झरने तक ले चलेंगे, वरना फिर ब्लॉग का आप लोग यहीं एंड समझें। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल सिस्सू चलेंगे, और अभी तो मॉल रोड भी आपको घुमाना है, सिस्सू घुमाना है, और अटल टनल है, और सुमांग वैली है, कुछ भी जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ का ब्लॉग डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। ओके दोस्तों।